गिदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह, एसपी मनोज राय इस समय जीडीसी कॉलेज में आए हैं। पूर्व सुबह से ही प्रशासन की जो टीम है वो लगातार बूथ लेवल पर जाकर देख रही है कि बूथ लेवल पे क्या सिचुएशन है। और आप देख सकते हैं एडिशनल एसपी खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसपी मनोज राय जीडीसी कॉलेज में है। भैया आए, क्या हाल है? इसे बना लेता हूँ। दुबे कॉलोनी के इस बूथ पर जहां कलेक्टर एसपी आए हैं, 800 वोट में 400 वोट यानी 50% वोटिंग यहां हो चुकी है और यहां वोटिंग को लेकर लोगों का उत्साह है। अभी भी काफ़ी भीड़ यहां आई हुई है। धूप होने के बाद भी, गर्मी तेज होने के बाद भी वोटर का उत्साह कम नहीं हुआ। निश्चित ही बीएलओ कार्यकर्ता सभी की मेहनत से और मौसम के सपोर्ट से यहां वोटिंग अच्छी हुई, परंतु अब धूप जो है वो तेज होना शुरू हो गई है और प्रशासनिक टीम भी अब ज़्यादा एक्टिव हो गई है, बूथ बूथ पर जा रही है। खंडवा जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह, एसपी मनोज राय इस समय बूथ में मौजूद हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। कुछ जगह पानी की शिकायत आ रही है, कुछ जगह गर्मी को लेकर कूलर पंखे की बात भी वोटरों द्वारा कही जा रही है कि वो लगाए जाने चाहिए थे। कई जगह व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, कई जगह व्यवस्थाओं में सुधार की गुंजाइश है। चलिए अब कलेक्सा बंदर से आते हैं तो बात कराते हैं 1 बजे तक कितनी वोटिंग परसेंटेज खंडवा जिले में हो चुकी है, या विधानसभा जो 8 विधानसभा है उसमें खंडवा की जो 3 विधानसभा है उनका क्या स्टेटस है वो आपको पता करके बताते हैं। फाइनली जो है निरीक्षण के बाद खंडवा निर्वाचन अधिकारी, सर एक बजे तक सर क्या स्टेटस है, क्या कोई किसी तरह की कोई ईवीएम में प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत या परसेंटेज की बात करें तो 1 बजे तक का क्या स्टेटस है सर? अभी जो प्राथमिक आंकड़े प्राप्त हुए 1 बजे के हिसाब से सभी 8 विधानसभाओं में खंडवा संसदीय क्षेत्र के 48% के आसपास मतदान हुआ है और खंडवा जिले की 3 विधानसभाओं में 6 वी पैट प्लेस हुए हैं, बाकी सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सर फिर से भी सभी सम्मानित मतदाताओं से यही अपील है कि अभी 6 बजे तक का समय है, सभी लोग अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अभी तक सर मौसम अच्छा था, अब जैसे अचानक धूप बढ़ गई है, कई अभी हम कुछ पोलिंग बूथ से आ रहे हैं वहाँ पे जैसे पानी थोड़ा दूर रखा हुआ है, जहाँ पे लाइनें लगी हुई वो कह रहे हैं कि पानी अगर नज़दीक होता, जैसे आपका रायचंद नगड़ा उत्कृष्ट विद्यालय है इसमें पानी दूर ही पे है, अब गर्मी बढ़ गई है तो इस तरह की समस्या दिखवा लेते हैं। अभी एक बार नगर निगम की जो टीम है पानी वाली उसको वापस भिजवा लेते हैं और जो लाइन के पास जो भी उपयुक्त स्थान होगा वहाँ पास। थैंक यू सर। सर जिले में किसी तरह का कोई पोलिंग बूथ पे सर न्यूसेंस विवाद या इस तरह की कोई कंट्रोवर्सीज? नहीं नहीं, अभी सुबह से 7 बजे से पोलिंग चल रही है, पूरे जिले में 805 मतदान केंद्रों पर शांति है और लोग आके निर्भीक होकर लोग वोट डाल रहे हैं। तो ये हैं खंडवा एसपी मनोज राय सर, जिनका स्पष्ट कहना है कि लोग निर्भीक होके निष्पक्ष होके घरों से निकलें और अपने वोटिंग को करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह का कहना है कि गर्मी बढ़ गई है, वो नगर निगम की टीम को ये निर्देश देने वाले हैं कि जहाँ जहाँ भी अब पोलिंग बूथ है वहाँ पर जाकर पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का काम करें। बने रहिए, दिन भर हम आपको इलेक्शन से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। गिदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।